बाहर आओ बाहर जल्दी बस। अरे बच गया बहन की गाली नहीं देनी यार, फैमिली शो है, मैं भी शो तो नहीं है, तो मेरे छोटे भाई भी देख रहे होंगे, गाली नहीं देनी। हाँ हेलो नमस्ते एवरीवन, एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में नानू फिल्म्स में। और आज मैं जा रहा हूँ, वैसे आपको तो पता चल ही गया होगा था मैंने देख के कि मैं जा कह रहा हूँ, बता देता हूँ कि आज मैं जा रहा हूँ सेंट्रल पार्क। वहाँ पे है आज ड्रोन शो होंगे वहाँ पे, 3, एक 7 बजे है, 1:30 बजे, 1:09 बजे। अभी फ़िलहाल बज चुके हैं 4:30, घड़ी नहीं है बट मैंने देख रखा है 4:30 बज चुके हैं, तो अभी निकलते हैं। फ्रेंड्स भी आ रहे हैं तो रास्ते में उनको मिलते हैं और आपको मैं मिलता हूँ सेंट्रल पार्क में और आपको दिखाता हूँ आज ड्रोन शो कैसा रहता है। पार्क में मेरे फ्रेंड्स भी बैठे हैं, यहाँ पे एक फ्रेंड और आ रहा है, ये है शिवानी, हेलो, वाशु और सुसु मेरे भाई है, और एक और आ रहा है, उसका नाम क्या है, धार्मिक भाई, वो तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। आज रश बहुत है ना उसमें पार्क में, आज वैसे भी वीकेंड है बट आज मे भी ड्रोन शॉट के उस चक्कर में आज बहुत सारे होंगे, बीच में तो और भी होंगे। धार्मिक भी आ गया, धार्मिक हेलो बोल। हाँ केविन ने शॉपिंग, ओए हेलो कर हेलो। अबे तू भाई कौन है? बस कोई है। हाँ सेंट्रल पार्क के एकदम बिल्कुल बीच में जाना है हमें, उस साइड से आए थे, दूसरी साइड से भी हम जाने में पैदल पैदल 15 मिनट लगेंगे, बिल्कुल भीड़ है। पीछे देखो मेरे और आगे देखो सारे जा रहे हैं, अभी वहाँ पे कुछ गाने वाने बज रहे हैं, सुनाई तो दे रहा है कुछ शायद वहाँ पे, देखते हैं। पीछे दिख रहा होगा सर, ओ हम पता क्या थोड़े गलत रास्ते से घुस गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड ने भगा दिया, मैं सबको भगा दिया, नस्सी आगे से दिखता है कि नहीं आगे सर, पेड़ आगे, पूरे पेड़ आ रखे दिख ही नहीं रहा कुछ भी, नथिंग। हाँ मेरे दोस्त चले गए हैं एक शो देख के, इतना अच्छा नहीं दिखाया मेरे को, दिख ही नहीं पाया मैं, क्या कहते हैं पेड़ ज़्यादा थे, मैं दोबारा जाऊँगा अंदर, इसके अंदर दोबारा जाऊँगा मैं अगर जंगल सा, दोबारा जाके दोबारा देखना मुझे, दो शो और पड़े 8 और 9 के, 8 में ही मज़ा नहीं आया, फिर 9 का देखूंगा, फिर दोबारा जाऊंगा, वो चले गए सब, मैं अकेला हूँ, मैं अंदर जा रहा हूँ, देखते हैं कैसा रहता है।
दोबारा आया मैं दोबारा देखो कैसे मुझे लगता है मैं बिल्कुल परफेक्ट स्पॉट पे खड़ा हूँ यहाँ पे, यहाँ से अच्छा दिखेगा पीछे, यहाँ तो एक ही है बस, ओनली वन। बाहर आओ, बाहर जल्दी पास। मुझे लगता है एक शो और देना चाहिए, दो देख लिया उस पेड़ की वजह से, एक आया नहीं अच्छा, दोबारा मैं दोबारा एक शो और लेना, आगे जाके आगे जाना पड़ेगा दोबारा, आई थिंक सो आई हैव टू चेक वन मोर, दोबारा लूंगा यार बैंकर शॉट अच्छा आता हूँ। अब ये मेरा होगा थर्ड शो, में भी मैं फर्स्ट और सेकेंड देखा, फर्स्ट अच्छा था, सेकेंड उससे अच्छा था, थर्ड देखे उससे अच्छा होगा, उधर की साइड से एग्जिट है उधर चला गया था, बट यहाँ से एंट्रेंस है देखो ये खड़े हैं सिक्योरिटी गार्ड, मैं अभी यहीं पर खड़ा हूँ आधे घंटे पहले ही, दिखते हैं एंट्रेंस कब मिलती है, अंदर जाके दिखाऊंगा थर्ड शो, देखते हैं कैसा लगता है। अभी मैं अंदर आया हूँ, हाँ मैं यहाँ से मैं भी अच्छा व्यू आएगा, सेवन वाला उधर उधर पहाड़ी पे, पीछे पहाड़ी पे बैठा था सेवन पे, और एट वाले पे इधर आया मैं, अब नाइन पे इधर आ गया, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए, ये है 9 बजे वाला शो, देखो भाई साहब मजे, यहाँ से तो नेक्स्ट लेवल है, और ऊपर आएंगे क्या, याद है अपकमिंग डे, अपकमिंग बादल हो गए, वरना बादल नहीं होते तो और अच्छा लगता मेरे लिए, क्लाउड्स आ गए, क्लाउड कैसे नहीं दिख रहा, नो वेट वाह बाय। बादल उन्होंने छुपा दिया, दिख ही नहीं रहा उसको, बादल आ गए, बादल की वजह से वो छुप ही गया, बता बेचारा बादल क्यों आया, तो अभी गायब हो गए सब, मे भी दोबारा दिखेंगे, ये अभी मेरे ख्याल में प्रैंक करने हमारे साथ, तो अभी दोबारा दिखेंगे, मैं भी देखते हैं। ओह मैन वो माय गॉड दैट्स नाइस, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, वो पानी में दिख रहा है, पानी में नहीं दिख रहा, पानी में नहीं दिख रहा, नाइस मैन।
एक नंबर का मजा आ गया ब्रो, एक नंबर का बहुत मजा आया। सॉरी एक नंबर ब्रो। यार मेरे दोस्त लोग चले गए, उनको घर भी के लिए जाना था पर उन्होंने मिस कर दिया, मैं अकेला यहाँ रहा। मेरे को ये डिसीजन अच्छा था, मैं अकेला यहाँ रहा हूँ। दैट्स द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ टुडे। देखा मैंने, देखो जा रहे हैं अभी भी जा रहे हैं। अब मैं भी चाहता हूँ यहाँ से निकलता हूँ। रात हो चुकी है और ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है भाई, एकदम एक्सट्रीम ठंड है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से निकलता हूँ, अब जा रहा हूँ मैं घर की तरफ। थैंक यू सो मच सेंट्रल पार्क। देखते हैं, चलते हैं घर की ओर। अब हो गया हूँ मैं लेट। हाँ अब हो गया, यहाँ पर ठंड भी बढ़ गई यार भयंकर। अब चल तो भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, तो मज़ा आ गया भाई। एक नंबर, वर्थ इट मैन। एक नंबर का। ऐसे ऐसे दो चार और रखो यार न्यूयॉर्क वालों, मज़ा आएगा। मेरे दोस्त लोग आ नहीं पाए होंगे, और भी आए थे बट उन्होंने थोड़ा देखा, बट थर्ड शो जो मैंने देखा वो उन्होंने मिस कर दिया। उनके लिए वीडियोस बना के ले गया हूँ, दिखाऊंगा और यूट्यूब पे भी डालूंगा, उनको दिखा दूंगा, अपने फैमिली वालों को भी दिखाऊंगा। अब चलता हूँ मैं सबवे स्टेशन की तरफ, यहाँ से दूर है 15-20 मिनट मुझे वॉकिंग डिस्टेंस लगेगा। यहाँ पर भीड़ यू कैन चेक चेकआउट रश, आज का रश। मैं अभी यहाँ से निकलने की सोच रहा था बट मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है तो उधर की तरफ जा ही रहा हूँ। भयंकर सेंट्रल पार्क रात को सोता नहीं है क्या, या फिर आज ही क्या कहते हैं आज के दिन ही ये ऐसा हो रहा है कि रात को हमेशा ऐसे ही होता है। प्लीज़ लेट मी नो यार गाइस, अगर किसी को पता, अगर ये वीडियो को देख रहा तो कमेंट करके बता देना कोई सेंट्रल पार्क गया हो रात को और उसको ऐसा दिख रहा हो जैसे मैं अभी देखने जा रहा हूँ। ऐसा होता है क्या? यहाँ मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैं डांस कर रहे हैं लोग, बस मैं उधर जाते जाते डांस कर रहे हैं। लक्ष्मी सी Yo, I'm gonna catch y'all while people are here. I'm not stopping the music, I'm just slowing down now. बहुत मज़ा आया भाई, वो पीछे डीजे पार्टी हो रही थी, एक नंबर का। मतलब कि वो अंकल थे, मतलब कोई पार्क में अपने डीजे बजाते रहते, कह रहे मैं 5 साल पता नहीं 25 साल कुछ बोल रहे थे, 25 साल या 5 साल से बजा रहा हूँ मैं। ठीक है, मज़ा आया यार, ऑसम यार, मज़ा आ गया। लास्ट में मैंने एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं सेंट्रल पार्क में ऐसा कुछ मिल जाएगा, बट मैंने ड्रोन शो के बाद मैं यहाँ आ गया। मैं वैसे जा रहा था वापस घर की तरफ जा रहा था, मेरे को दिखे यार म्यूज़िक बज रहा है, म्यूज़िक बजने की तरफ इधर आ गया भाई, एक नंबर मज़ा आ गया यार। अब चलता हूँ घर की तरफ यहाँ से, अब रास्ता पता नहीं किधर की तरफ है। नाइस, मे भी मेरा नाइस वीकेंड था ये वाला, एकदम एक नंबर का वीकेंड था, मज़ा आ गया। डांस किया मैंने आधा घंटा, वीडियोज भी बनाई। अभी थोड़ा थका तो नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, 1% भी नहीं थका। देखते क्या करना है, अभी चलता हूँ स्टेशन की तरफ और रास्ते में कुछ और इंटरेस्टेड दिख गया तो दिखा दूंगा, नहीं तो घर की तरफ निकल लेते भाई यार, टाइम हो गया। इसका मतलब तो रात को भी खुले रहता है, स्टेप देखने कहाँ पे है, रात को भी खुला ही रहता है। मैं भी और कोई आगे होगा तो पूछूंगा कि भाई रात को खुला रहता है कि क्या सीन है। अरे बच गया बहन की गाली नहीं देनी यार, फैमिली शो है, मे भी शो तो नहीं है, मैं मेरे छोटे भाई भी देख रहे होंगे, गाली नहीं देनी। हाँ तो क्या बोलते हैं, मैं भी रात को भी खुलता है कि नहीं पता नहीं अभी। वैसे गेट वेट में एंट्री में भी तो है शायद, रात को आ सकते पार्क भाई, पूरा जंगल ही है पार्क, क्या बोलूँ मैं इसको, बीच बीच में अच्छी जगह भी है। और वैसे फॉल का सीज़न भी चल रहा है, क्या बोलते हैं, मैं भी दोबारा आऊँगा यहाँ पे,
दिन के टाइम में, क्योंकि इनके लीव्स है ना, अभी फॉल का सीजन स्टार्ट हो चुका है, ये लीव्स होंगे बाप रे एक नंबर की लीव्स, रेड ग्रीन येलो सब मिक्स होगा, पिंक ब्लू सारे लीव्स होंगे यहाँ पे मे भी। तो मैं दिन के टाइम पे, कभी अगर मेरे को टाइम लगेगा तो मैं आऊँगा सेंट्रल पार्क में और आप लोगों को दिखाऊँगा कि कैसा है सेंट्रल पार्क। यहाँ का व्यू भी चेकआउट करने वाला है। मैं निकल गया हूँ सेंट्रल पार्क से बाहर, अब ये एग्जिट है और पीछे आप देखो ये स्काईलाइंस। मेट्रो का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए जो हमारी फ्लशिंग की ट्रेन है यहाँ से जाएगी, वो फ्लशिंग की ट्रेन किसी यहीं तक जाती, यहीं तक लास्ट स्टॉप है आज, वैसे तो सुनियार तक होता है पर आज यहाँ पे लास्ट स्टॉप है, तो हमें यहीं से फ्लशिंग की लेनी पड़ेगी आज। चलो देखते हैं, आ रही है थोड़ी देर में। मैं हूँ अब फिलहाल मेन स्ट्रीट पहुँच चुका हूँ, मैं बस घर पहुँचने वाला हूँ, बस यहाँ से घर मेरा 5 मिनट और 10 मिनट के बीच में पहुँच जाता हूँ मैं। अब इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट भी कर देना अच्छा सा, या फिर अगर गंदी लगे तो कमेंट फिर भी करना कि क्या हुआ इस वीडियो में, मतलब कि क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा और मुझे क्या चीज़ें अपडेट करने की ज़रूरत है मुझे बता देना प्लीज़। और तब तक के लिए बाय, और फिर से एक अमेजिंग वीडियो में मिलते हैं आपसे, और बस बाय।